सिने वाले के पास। रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि छुट्टी का दिन है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है जैसे आप देख रहे हैं, मुझे धक्के भी पड़ रहे हैं। तो चले आपको दिखाते हैं मोटा चने वाला है यहाँ पे किस तरह के चने बिकते हैं। बड़ी देर के बाद बैठने की जगह मिल गई है, मिल गई है। अहमद अब्दुल्ला ने बड़ी हिम्मत मारी है, बीच में धक्के मार मार के घूम गए जैसे रश बहुत ज़्यादा है। नान वाला जो है वो नान लेके आता है और उसकी लोगों की बारी नहीं आती, लोग रस्ते से जुट पड़ते हैं। बाहर एक बहुत बड़ा हजूम है जो घरों में नाश्ता ले जाने के लिए बैठा है, और जो शौकीन लोग हैं उनका एक अंदर अलग ही रश मचा हुआ है। नान हमारे पहले ही आ गए हैं, रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और चने पता नहीं कब आएंगे। तो लग तो ऐसे रहा है कि चने आने तक नान जो है वो ठंडे हो जाएंगे। लो जी चने हमारे आ गए हैं और खा के देखते हैं, फिर आपको बताते हैं अहमद और अब्दुल्ला कि कैसे लगी उनको चने। अहमद और अब्दुल्ला कैसा लगा आपको नाश्ता मोते का बताएं? आज हम पहली दफा आए और हमें कहा कि बहुत अच्छा लगा नाश्ता। अब्दुल्ला तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सब याद हो रहा है उसके लिए खा लिया। तो दोस्तों रश अभी भी बहुत लगा हुआ है, उस्ताद मोता जी चने वाले हैं, जहाँ मीरा रोड पे अंदर जाके किसी मोहल्ले में ये वाक्य है। और हम लोग यहाँ पे आते आते काफ़ी घूम भी गए थे, गाड़ी यहाँ ले जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग जो है अपनी होंडा ऑपरेटर साथ ले गए थे बाइक। गलियों में घूमते घूमते बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे, अभी भी आप देख रहे हैं लोग फंसे हुए हैं। ये लोरियों का जो है ना एक जुनून है खाने के लिए, अंदर कोरोना भी अगर घुस देना तो कोरोना परेशान हो जाए, मैंने किसको लगना है और किसको नहीं लगना। बहरहाल नाश्ता बहुत मज़े का था, अपनी राय से महंगा कीजिए। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।